तो गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं कुछ इस टाइप का क्रिएटिविटी फोटो एडिटिंग करूंगा। तो गाइस आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया हमारा फोटो एडिटिंग है। तो गाइस ये फोटो एडिटिंग हमारा कार्स के ऊपर है, तो आप भी कुछ इस तरीके से फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को फुल वॉच करना। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस वाला बैकग्राउंड को पिक्सेल एप्लीकेशन में ऐड करना पड़ेगा। तो आप सिंपल से सर्वल ऑप्शन पर टैप कर देना, देन इस वाला बैकग्राउंड में आने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। देन आपको नीचे चले जाना है। नीचे आने के बाद आपको ऐड फोटो मिलेगा, तो इस ऐड फोटो पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर आपको जो आप जिस कार्स का आपको लगाना चाहते हो फोटो वहाँ पर लेना पड़ेगा। तो मैं सिंपल से वो वाला ले आता हूँ। और गाइस मैं आपको बता दूँ, इसका बैकग्राउंड मैं पहले से इरेज करके रखा हूँ, तो आपको अगर बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, उस जगह देख लेना, आप पूरा जान जाओगे। तो आप भी कुछ इस तरीके से लगा लेना, ऐसे जूम कर देना गाइस, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो कुछ इस तरीके से आप लगा लेना। और लगाने के बाद गाइस आपकी इसकी ओपेसिटी को आपको 80 पे रख लेना पड़ेगा, थोड़ा डिक्रीज कर देना पड़ेगा आपके फोटो के हिसाब से। तो मैं इसे 80 पे रख लेता हूँ। देन 80 पे रखने के बाद गाइस सिंपल से इस इरेज वाला ऑप्शन पे चले जाता हूँ। और इरेज वाला ऑप्शन पर आने के बाद इरेज वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। देन नीचे की तरफ से ऐसे करके इरेज कर देता हूँ। उसके बाद गाइस इसके हार्डनेस को कम कर देता हूँ मैं 20 के आसपास, और ऑपेसिटी को भी कम कर देता हूँ कुछ 38 के आसपास, फिर ऐसे करके इरेज कर देता हूँ, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो आप भी कुछ इस तरीके से कर लेना। कुछ इतना हो जाने के बाद गाइस आप सिंपल से ऐड वाले फोटो पर क्लिक कर देना। देन आपका जो मॉडल का PNG है, यहाँ पर आप जिस फोटो को यहाँ पर लगाना चाहते हैं उस वाले फोटो को यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो आप सिंपल से वो वाला फोटो यहाँ पर ले आना, मैं जल्दी जल्दी से वो वाला फोटो ले आता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं वो वाला फोटो यहाँ पर ले आ गया। देन इसको छोटा कर देना आप, काफ़ी बढ़िया रहेगा। फिर इसे जूम करके कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना। तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपने फोटो के मुताबिक, तो मैं कुछ इस तरीके से रख लूँगा। इस टाइप से रखने के बाद गाइस सिंपल से इस डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डन कर दूंगा। देन फिर से ऐड वाले फोटो पर क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर आपको एक PNG ऐड कर देना पड़ेगा। तो सिंपल से ऐड कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वैसे जगह आप डाउनलोड कर लेना। तो ऐड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दिया और यह फोटो यहाँ पर आ गया। देन आने के बाद गाइस सिंपल से इस वाले पोर्शन को थोड़ा खींच के लंबा कर देना, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। फिर इसे नीचे आप कहीं भी लगा सकते हो, तो मैं नीचे ही पर लगा लेता हूँ, काफ़ी बढ़िया रहेगा। कुछ इस तरीके से मैं रख लेता हूँ, तो काफ़ी बढ़िया दिखेगा। फिर सेट वाले फोटो पे चले जाना, और यहाँ पर आपको और एक PNG कर लेना पड़ेगा। तो मैं सिंपल से वो वाला PNG यहाँ पे ले आता हूँ, तब तो आप देखते रहिए। और गाइस मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इस वीडियो को देख के कुछ सीखते हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और इस चैनल में नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस वो वाला PNG आप सिंपल से ऐड कर देना। देन ऐड हो जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देन आपको इसे छोटा कर लेना है, और इसे जूम करके कुछ इस तरीके से फुल जूम कर लेना है। देन आपको सीधा नीचे चले जाना है, और नीचे आने के बाद गाइस आपको ब्लेंडिंग बोल के एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे टैप कर देना। देन इसे स्क्रीन पे रख लेना। तो गाइस आप देख सकते हो, हमारा फेस में कुछ वो वाला गिरा है, तो मैं उसे इरेज कर दूंगा। तो सिंपल से इरेज वाला ऑप्शन पर टैप कर दूंगा और इरेज वाला आइकन को चूज कर लूंगा। देन फोटो को जूम करके इस तरीके से इरेज कर लूंगा। मैं जहाँ जहाँ रखना चाहता हूँ वहाँ मैं रख सकता हूँ, तो मैं कुछ इस तरीके से इरेज कर दूंगा बाकी पार्ट, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो बस सिंपल से एक हो जाने के बाद सिंपल से इसको यहाँ से डन कर देना। डन हो जाने के बाद इसको यहाँ से डन कर देना। तो गाइस आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया हमारा फोटो एडिटिंग बन गया, होके एकदम तैयार। अब सिंपल से इस फोटो को आप अपने फ़ोन में सेव कर लेना।